हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जिस स्टॉक को हम एनालाइज करने वाले, इस स्टॉक का नाम है रिलायंस पावर। इस स्टॉक में समय इसके प्रीवियस 52 वीक्स के हाई का ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है, जिसके बाद स्टॉक में 36 रुपीज तक के लेवल ऊपर में देखने को मिल रहा है। इसके साथ स्टॉक में समय 2 डेज से लगातार 5% के अपर सर्किट पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है, और आज भी स्टॉक में समय 5% का अपर सर्किट लगते हुए दिखाई दे रहा है। अब स्टॉक का डाउन साइड से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके देखे तो यहाँ पे हमें ट्रेंड का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इसके साथ स्टॉक में हमें फॉलिंग बैच फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, जिसके बाद स्टॉक में हमें 36 रुपीज तक के लेवल ऊपर में देखने को मिल रहा है। अब इस हाई के चलते गए हमें जो टारगेट देखने को मिल सकता है ऊपर में गए 60% से ज्यादा और मूव देखने को मिल सकते हैं, जिसको आज के वीडियो में एनालाइज करने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के स्टॉक के चार्ट को थोड़ा डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। इसमें हमारे लेवल्स कौन से रहेंगे, कहां पर हमें बाइंग ऑपर्चुनिटी मिलती है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। स्टॉक के चार्ट को गाइस अगर मंथली टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर इसके बाद जो अब हमें रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा गाइस 60 रुपीज के लेवल पर रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर स्टॉक इस रेंज को ब्रेक करके इसके ऊपर परसिस्टेंट कर जाता है तो गाइस 130 रुपीज तक के लेवल आने वाले लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं। और जिसको गाइस स्टॉक के इस हाई से लेकर ऊपर में लॉन्ग पोजीशन टूल की मदद से अपना टारगेट देखें, हमें जो लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेंगे गाइस 70% से लेकर ऊपर में गाइस 200% तक मूव और स्टॉक में देखने को मिल सकती है आने वाले लॉन्ग टर्म में। लेकिन फिलहाल स्टॉक में जो गाइस हमारे टारगेट रहेंगे 70% तक के टारगेट रहेंगे, जो कि गाइस आने वाले 1 ईयर के बीच में देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टॉक में आने वाले दिनों में गाइस 45 रुपीज से लेकर ऊपर में 60 रुपीज तक के लेवल जल्द देखने को मिल सकते हैं। और स्टॉक में जो गाइस हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, इसमें गाइस अपर सर्किट के चलते हमारा स्टॉप लॉस कोई निकल के नहीं यार, फिर भी इसमें गाइस अगर स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो 34.40 रुपीज का लेवल रख सकते हैं, जो कि गाइस 4% के करीब बैठ रहा है। तो फ्रेंड्स, स्टॉक में छोटा सा ऐसे लगातार 4% का स्टॉक में आने वाले दिन में 45 रुपीज से लेकर ऊपर में 60 रुपीज के टारगेट के लिए लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉक में जो गाइस हमारी एनालिसिस है 1 मंथ से लेकर 1 ईयर के बीच में हमें यह लेवल देखने को मिल सकता है। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। आई होप गाइस आज की जो हमारी एनालिसिस थी हेल्पफुल रही होगी। गाइस वीडियो हेल्पफुल रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।